पागल बना दिया जमा पागल बना दिया इसा क्या कर दिया जमा भाई तो जमींदार तो जमा डंडा भी दिया पटना ये 40 खा गया भाई 10 किलो कटा दिया हां 10 खा गए 10 खा गए बस पागल खा गए और बोल है आज यह संदेश यात्रा चंद्र देव नहीं डटी बाठड़म नहीं डटी गिरामा डटा के कारण है ऐसे आसी से टिकट का प्रबल दावेदार हूं सबसे सीनियर आदमी हूं कांग्रेस का। हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार हरियाणा की हर एक अपडेट छोटी बड़ी बात सारी न्यूज आप तक पहुँचावा हाँ आपका आगे धरा हाँ और इब भी इसे काम में लाग रहे हाँ। अब 2024 का जो ये साल शुरू हुआ है ये बड़ा साल है क्योंकि इसमें हरियाणा के चुनाव MLA के और सेंटर के MP के चुनाव होने हैं यानी कि प्रधानमंत्री जी भी और हरियाणा के CM खातर कई बार नए चेहरे भी आ जाए पुराने भी आ जाए वह एक अलग बात है भविष्य गर्म में है कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन फिलहाल जरा मैं खड़ा हूँ रोड को ऊपर कैमरामैन साथ ही दिखाना रहा है पीछे भी ऐसा तो नाव है और उस साइड तक भी आना रहे यो है जी आसीपुर वाला रोड या जो हाँ काट ले भाई या जो गाड़ी जान ला रही कैमरामैन साथ ही दिखाइए या आसी की तरफ जा है जो कि तकरीबन 18-20 किलोमीटर पड़ा है और प्यार तो आराम तो शांतिपूर्वक परला रोड और दिखा दे भाई यो जो है बरवालन जानना रही है रास्ता जो जा है भाई कितना है जी 16-17 किलोमीटर होगा बरवाला 16-17 किलोमीटर बरवाला है आसी और बरवाला रोड के बीच में जो बड़ा गाँव है भाई गिराए गिराए गाँव में मैं मौजूद हूँ और क्यों हूँ जो बोर्ड लाग रहा है शांतिपूर्वक दिखा दिए भाई कांग्रेस संदेश यात्रा 18 जनवरी 2024 को आसी पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन। लेकिन बरवाला से आसी जाने बीच में यह संदेश यात्रा गिरागाम में डटेगी भाई जो अरपाल बुरा हैं पूर्व न्यायिक सदस्य हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल ये कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरा जो योग गिरागाम में जो पूरा प्रोग्राम होना है इसके। अब इस संदेश यात्रा पे कितना प्रभाव पड़ा है कितना जनता में फर्क पड़ा है और चुनाव पर उसका के नतीजा के परिणाम के फर्क पड़ेगा वह भविष्य की बात है भविष्य गर्म है। लेकिन जो यह त्रिवेणी या जो त्रिमूर्ति है भाई तिना एक तिगड़ी है SRK इसका नाम दिया जाए SRK टीम का ही जा है कुमारी शैलजा सुरजेवाला और मैडम किरण चौधरी जो कि हमारे हल्के की विधायक है भाई तुषाम हल्के की। अब ये तीनों मिलकर इस संदेश यात्रा पर कितनी जनता जोड़ पाऊ हैं कितना समर्थन ले पाऊ हैं वह एक अलग बात है। आज सूर्य भगवान ने दर्शन नहीं दिए हैं तकरीबन 4:30 का टाइम हो चुका है शाम का लेकिन सूर्य भगवान आज नहीं आए हैं। अब लेकिन लोग आने लग रहे हैं भाई पीछे से राम राम बाबू जी राम राम कौन सा काम है खोखा खोखा तो खोखा तो आज गिरा में पूछे हो के कारण है के मरगवंडी रह गया कौन है अरपाल बुरा। अच्छा हाँ बुरा साहब के समर्थन में आए हो हाँ बुरा साहब के तो लागा टिकट मिल जाएगी पक्की मिल जाएगी। चलो भाई बात टिकट की तो बाद की बात है पीछे भी यो भाई साथी खड़ा है बहुत बार तो मैंने सुनना रहा है पीछे भीड़ दिख दियो भाई ये झंडे भी एक बार अक्षय भाई एक बार ये झंडे दिखाइए या पीछे की भीड़ दिखाइए भाई तो तब तक बात कर लिया राम राम भाई साहब राम राम जी। तो सूरज सूर्य देवता नहीं आए नहीं आए नहीं आए लेकिन भीड़ बढ़ दी जान लग रही है बढ़ दी जाओ भाई साहब कारण क्या है कांग्रेस पार्टी आओगी अब की बार सरकार बनाओगी हाँ बिल्कुल एक सीट मानो हो 70+ भाई साहब गिरडी पर बीजेपी ने 75 का नारा दिया था जी 72 पार हो जाएगा बिल्कुल भाई हो जाएगा कांग्रेस का पक्का वादा भाई पागल बना दिया जमा पागल बना दिया ऐसा क्या कर दिया जमा भाई तो जमींदार तो जमा डंडा भी दिया पटना की बेरोजगार कर दिए भाई किसान मजदूर सब कांग्रेस तक की उम्मीद है हमने मिलता नहीं भाई तो टाइम पर DAP मिला नहीं यूरिया मिल जा रही लग भी कांग्रेस तक की उम्मीद कांग्रेस तो भाई तो सब की मिल जाता खाद करा गामा मार दा अच्छा गरीब गामा में कौन मिलता खाद सोसाइटी में खाद आ जाता भाई खाद भी सबके जमींदार ने ठाट होया कर दे ब्लैक मिले है हां ब्लैक पे 350 कट्टे ले रखे कटाया जी 400 रुपया कट्टा यूरिया मिला भाई 400 रुपया कट्टा यूरिया पहले 50 किलो का था क्या कर रखे है 45 का 45 कर दिया 40 खा गया 45 खा गया भाई 10 किलो कटा दिया हाँ 10 खा गए बस पाले खा गए और बोल है झूठ कोई बोलता हमें अच्छा खाद कटाई दिया भाई अच्छा जमींदार जब रोड पे ले दिया रोड पे ले दिया भाई तो जमींदार रोड पे ले दिया और मीडिया फिलहाल रोड के ऊपर है भाई ये गाड़ी देख हाँ मीडिया भी रोड के ऊपर है देख ले गाड़ी अब गाड़ी आने रही है अक्षय भाई ठीक है पीछे तो लाइन लाग रही है गाड़िया की जड़ता ही मेरी नजर जा उड़ते गाड़ी खड़ी है और एक बार आगन दो डंगोर आगन दर किया जो जनता बैठी नहीं है और दिखा दे भीड़ पर भीड़ है भाई लोग
जुड़ते जान ला रहे हैं, बार गामा के आन लाग रहे हैं और रंगमंच भी जो है जचन लाग रहा है। तो जो है भीड़ आप सामने देखने ला रहे हो, वह जो कुर्सी खाली पड़ी है ना भाई, उसकी भी बता दूं मैं, कोई भाई नुमा ना वीडियो देखी कि कुर्सी खाली पड़ी है, लेकिन जिस तरह अनाउंसमेंट ढूंढ ला रही है कि गर्मा गर्म जलेबिया प्रोग्राम है, जलेबी खाने खातर जनता जा रही है, बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है, अरेबा तो आने लाग रही है भीड़। अब यह भीड़ किसी है और चुनाव में या के प्रभाव डालेगी वह भविष्य की बात है। तब तक के लिए जो है कुमारी शैलजा, किरण चौधरी जी और रणदीप सुरजेवाला आके के संदेश दे हैं और यह संदेश यात्रा कितने कामयाब हुआ है वह भविष्य गर्म बात है, वह भी दिखाऊंगे। लगातार जुड़े रहो भाई, संदेश यात्रा है कांग्रेस की, के संदेश मिला जनता ने? जनता ने कांग्रेस के लिए मतलब प्यार मोहब्बत का संदेश मिलेगा। हाँ संदेश तो लागा, समर्थन जनता का इस बार कांग्रेस की तरफ होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा हाँ, बुरा साहब भी हिड़ते बात कर लिया। हाँ इतना जन समर्थन इन्होंने जोड़ रखा है, साथ में लोग जुड़ रहे हैं। बुरा साहब नमस्कार। नमस्कार, स्वस्थ हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो सूरज भी नहीं लिख रहा बुरा साहब, इतना जन समर्थन आप, जन सैलाब आपने जोड़ लिया। ये तो अपने मेरे दोस्तों का, साथियों का प्यार है। अच्छा, और कुमारी शैलजा जी का भी फ्लोर है, उनको चाहते हैं लोग, और ये जो परिवर्तन यात्रा जो शुरू करी है जी, इससे कुमारी शैलजा जी ने, रणदीप जी ने जी, और किरण चौधरी जी तीनों साथ में, ये निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर परिवर्तन आएगा और 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। और लोग इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जुमलों की सरकार, ये जो काम कर रहे हैं 10 साल से इनके लोगों से, इसे मजदूर हो चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, छोटा हो बड़ा हो, हर वर्ग 10 के 10 सड़कों पर रहा है, ये तो इनकी नाकामी को साफ तौर पर नजर आती है। और ये थोड़े दिन की मेहमान है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोगों के बढ़िया बढ़िया काम होंगे, बढ़िया बढ़िया काम होंगे। कैमरामैन साथी एक बार जितने बड़े छोटे बेटे सारे प्रेम पूर्वक सबके चेहरे दिखा दे भाई। आज यह संदेश यात्रा चंद्र में नहीं डटी, बाठड़ा में नहीं डटी, गिरामा के कारण है। ऐसा है, आपको रूट का ही नहीं पता, ये चन्नत के, बाटला के, कुलाने के सारे साथी जो मेरे गुवांडी हैं, और सिंगवा के, सिंदड़ के, सन के, सारा हल्के के, कुंभ के, थुराने के, और रामायण के, डेडेरी के, सभी लोग बुला यहाँ रखे, मेन प्रोग्राम यहाँ है। अच्छा, और वो बरवाड़े की तरफ से आ रही है, और बाटला चन्नत होते हुए हाँसी में प्रोग्राम हो, हाँसी में प्रोग्राम करेंगी। अच्छा। या आ इधर से रही, बाटला चन्नत के कुलाने के लोग तो यहाँ आए हुए हैं। तो फिर कदे मैं तो नहीं सोचा मैं भाई गिरा में प्रोग्राम है बुरा साहब, तो कदे आप वाले टिकट तैयारी होंगी हो? ना ना, ये तो देखो वक्त बताएगा, लेकिन मैं तो कांग्रेस का 32 साल से निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। 32 साल से मुझे एक बार टिकट मिली, नहीं टिकट मिली तो मैंने कांग्रेस पार्टी में जिस आदमी को टिकट दी मैंने उसको वोट दिया, और यही काम मैं अब करूंगा। जिस भाई को टिकट मिली उसकी समर्थन करे, और मैं हाँसी से टिकट का प्रबल दावेदार हूँ, सबसे सीनियर आदमी हूँ कांग्रेस का, इस हर जिले में सबसे सीनियर आदमी हूँ। मैंने कदे कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, लोग तो बीच कांग्रेस छोड़ कर वापस आ गए, फिर चले गए, कभी लोकदल में चले गए, कभी फलाना में चले गए, कभी भाजपा में चले गए। मैं 32 साल से कांग्रेस में लगातार कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। तो बुरा साहब अब देखो, जो एसआर की टीम है अपनी, शैलजा सुरजेवाला, किरण चौधरी जी, ये अलग रैली करना रहे, अलग यात्रा करना रहे, हुड्डा साहब अलग रैली करे है, वह भिवानी आ जाए तो ये नहीं पाऊँ, ये झड़क रहे तो हुड्डा साहब नहीं आते, तो यह फूट कदे ले बैठे कांग्रेस। ये एक एक मीडिया की, अरे ये प्रिंट मीडिया का, ये आपको ये पता नहीं अनिल विज गिर खट्टर साहब की बोलचाल नहीं है। अच्छा, आप कभी बोलते हो, कभी दिखाता कोई प्रिंट मीडिया, कोई बोलता है रामविलास शर्मा की चीफ मिनिस्टर की नहीं बनती थी, इसकी अपने अभिमन्यु की चीफ मिनिस्टर की नहीं बनती थी, कितने सारे इनके अंदर मतभेद हैं। और यहाँ ऊपर शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को कोई पूछता है? लोकतंत्र है ये, कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी लोग, आप भी आमंत्रित हो, कांग्रेस पार्टी को जो मजबूत करा वो सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे। अब आप इनका नाम ले रहे हो अलग, ये आप कह रही है एसआर के ग्रुप जी। मैं कहता हूँ ये राजनीति की, ये राजनीति की तिकड़ी नहीं, ये तिकड़ी शब्द भी गलत है, ये राजनीति का ब्रह्मा विष्णु महेश है, त्रिदेव है, ये त्रिवेणी है, और ये निश्चित तौर पर ये 10 की 10 लोकसभा में, 90 की 90 विधानसभा में जब ये जाएगी ये टीम सारी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और लोगों में बदलाव और कांग्रेस की सरकार बनेगी।
सरकार कितनी सीटा था मनोहर? सरकार में कम से कम 70-75 के बीच में सीटें आएंगी। 75 पार का नारा तो ग्रेडे पर बीजेपी का। नहीं नहीं नहीं, हम कांग्रेस ही झूठ नहीं बोलते। अच्छा। वो तो उनको तो जुमलों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती भी है। अच्छा, फिर बीजेपी वाले नहीं करते? भाजपा तो क्या क्या उन्होंने उनका संकल्प पत्र काट के, उनका घोषणा पत्र काट के देखो, आज तक 10 साल से कर्मचारी हो, अधिकारी हो, दुकानदार हो, किसान हो, व्यापारी हो, हर आदमी सड़क के ऊपर है, तो काम कहाँ हुए? अब पोर्टल, हर काम बोला पोर्टल करेगा। एक बार एक मुख्यमंत्री को उसका कोई कहने लग गया मिलने वाला, बहुत बड़ा आरएसएस का नेता था जी। कि जी मेरा एक कमरा बुक करा दो, तो उसने अपने पी को कमरा बुक करा, बोला जी कि कमरा तो पोर्टल बुक करेगा। अच्छा। तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, ये हर काम पोर्टल करेगा, तो ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद ही पोर्टल पोर्टल सब बंद कर देंगे, हम लोगों के सीधे तौर पर काम करेंगे। सीधे तौर पर काम करोगे? यस। तो फिर जनता के ईव कौन से काम रुक रहे हैं, जो जनता चाहोगे कि भाई ये काम हमारे रुक रहे हैं? केला काब तो जनता बीच में रो हो बिलो। मैं ये कह रहा हूँ, उन 2019 का, 2020 का, 2021 का, 2022 का किसानों को मुआवजा नहीं मिला जी। किसान सड़क पे है, कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहे हैं वो सड़क पे है, कोई भत्ते की मांग कर रहा है, व्यापारी के ऊपर मार्केटिंग टैक्स बढ़ाया जा रहा है, फीस बढ़ाई जा रही है, हर वर्ग परेशान कर रखे है, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है, बताओ क्या कहां तराई तराई मची हुई है, बेरोजगार कड़ा भाई साहब एच कारण में सारा सौदा जोड़ रखा है सरकार ने। ये बिल्कुल गलत है, पढ़े लिखे मेरे से पूछने से नहीं पूछो। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बार का, हरियाणा स्टाफ सेशन कमीशन का चेयरमैन बार का, एचसीएस का जुडिशियल पेपर लीक हुआ, एचसीएस का एग्जीक्यूटिव का पेपर लीक हुआ, एसएस बोर्ड के सारे पेपर लीक हुए, एक नया तरीका निकाल लिया पेपर लीक करने का, और बाहर के लोग एडीओ के अंदर, एडीए के अंदर, वेटरनरी डॉक्टर के अंदर, एचसीएस के अंदर, न्यायिक उसमें के अंदर, सारे बाहर के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, तो बेरोजगार क्या है सारा हरियाणा के अंदर, वो डोमिसाइल खत्म कर दिया हरियाणा का, इसलिए बाहर के लोगों को तरजीह दी जा रही है। और ये कांग्रेस की सरकार बनने पर हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। तो पूरी उम्मीद है आप जनता के बीच में धरना रहे हो, लोग आपसे आपकी बात सुन के कांग्रेस का नहीं लोभेंगे उसकी तरफ जाएंगे, तो कदे जो बात है या रह जाए। मेरी बात नहीं, आपकी बात नहीं है, ये नेताएं जो नेता जो है कांग्रेस पार्टी के, इनसे प्रभावित होकर कह रही है, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये बदलाव का एक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, इतनी जो भीड़ सर्दी के अंदर उनको इंतजार में बैठी है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर बदलाव आने वाला है। यह बिल्कुल ठीक बात है कि आज जो है, दियो जी थोड़ी सी जगह, दियो थोड़ी जगह, आड़ ना जाए जवान। तो बिल्कुल ठीक बात बोरा साहब की, आज जो है सूर्य भगवान नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो है यह जो त्रिवेणी बोरा साहब ने जो कही भाई, त्रिदेव वर्मा विष्णु महेश और हरियाणा की त्रिवेणी, इनको जो है उपाधि दी है एसकार, जो एसआर की टीम में कहूँ था भाई थोड़ा बदलाव करना चाहूँगा सब दाम है। अब इस संदेश यात्रा ते जो हरियाणा का महोनारी है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, जनता किस तरफ रुख करेगी, और आगे आने वाले एमपी एमएलए जो चुनाव हैं उनको ऊपर के बदलाव है, परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन होक नहीं होगा देखने वाली बात है। तब तक के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारे दर्शकों चाचा तयन भाण भाई सचिन की राम राम।